एजुकेशन के तृतीय सत्र में कला शिक्षा भाग दो इस 3.6 पर विचार विमर्श करने के लिए, उनके बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए और प्रकाश डालने के लिए आज मैं राजेश उपस्थित हूँ। हमारे साथ उपस्थित हैं मुजफ्फरपुर से गोपाल फलक जी, नमस्कार। और इसी बिंदु पर संगीत के पहलू पर विशेष प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हैं हमारे साथ प्रेम रंजन जी, आप वैशाली से। जी नमस्कार। मित्रों, जहां तक आप जानते हैं कि पिछले प्रथम सेमेस्टर में हम लोगों ने दृश्य कला पर विस्तार से बात किया था, इस संदर्भ में हम चाहेंगे कि अपने विशेषज्ञ गोपाल जी से हमें यह पता चल जाए कि जो प्रदर्शन कला है इसके मुख्य तत्व क्या है। प्रदर्शन कला के मुख्यतः चार तत्व हैं जी, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक जी। और ये चारों तत्व प्रदर्शन कला के विभिन्न जो क्षेत्र है, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, नाटक का क्षेत्र हो, या फिर हमारे और भी प्रदर्शन कला जो इनसे जुड़ी हुई है, सभी में इसका बहुत ही महत्व है। जहां तक आंगिक की बात है, इसके माध्यम से हम शारीरिक अंगों के संचालन करते हैं और अपने भाव भंगिमा को प्रकट करते हैं। आंगिक का वस्तुतः यही अर्थ है। वाचिक, हम अपने मनोभाव को जब बोलकर, गाकर, मतलब कंठ के द्वारा जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये वाचिक आ जाता है। और जब बिना बोले या बोलने के साथ साथ अंगों का भी उपयोग करते हैं, जैसे खास करके नृत्य कला में, जहां हस्त मुद्राएं, चेहरे की भाव भंगिमा, तो यहां इन दोनों का महत्व बढ़ जाता है, आंगिक का भी और वाचिक का भी। साथ ही साथ आहार्य, तो हम जहां तक जानते हैं किसी पात्र की भूमिका, यदि मान लीजिए कि राजा की भूमिका में कोई पात्र है, या भिखारी की भूमिका में कोई पात्र है, सैनिक की भूमिका में कोई पात्र है, तो उसके लिए एक आवरण, एक वस्त्र विन्यास, अगर हम उसको उस रूप में सजा देते हैं तो ये उस पात्र को बिल्कुल आइडेंटिफाई कर देते हैं कि भाई ये राजा है, ये भिखारी है, ये सैनिक है। आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं। इसमें दो बातें आती है, एक तो उस पात्र के साथ जुड़ी हुई वस्त्र विन्यास, साथ ही साथ वातावरण, जिसमें हम मन सज्जा को भी ले लेते। यदि जंगल का दृश्य है जी, यदि पेड़ पहाड़ नदी का दृश्य है जी, शहरी वातावरण है जी, या फिर शोक का वातावरण है, हर्ष का वातावरण है, तो इसके लिए हम वातावरण, बैकग्राउंड जिसको आप कह सकते हैं, हम उसकी सज्जा करते हैं। मुख्य रूप से आहार उसके अंदर है। जहां तक सात्विक की बात है, तो आंगिक, वाचिक और आहार, इन तीनों के माध्यम से हम अपने आंतरिक भाव का प्रकटीकरण करते हैं। वैसे भाव ये कोई भी माध्यम हो सकता है, जैसे मान लीजिए ईर्ष्या, द्वेष, बहुत ऐसी मनोभाव है जहां हम कई बार बोल करके करते हैं, कई बार बिना बोले इशारे से करते हैं, ये हमारा सात्विक। मुझे लगता है कि रस का प्रकटीकरण, हाँ रस का, वैसे भी जो अस्थाई रस है और जो सात्विक रस है, ऐसे ऐसे मतलब जिनको अलग अलग रूपों में, कई बार हम इशारे से बहुत सारी बातों को कह जाते हैं। अच्छा, तो ये इशारे से हम द्वेष भी प्रकट करते हैं, प्रेम भी प्रकट करते हैं, घृणा भी प्रकट करते हैं। ये सात्विक भाव हमारे भीतर अंदर है और इसको इस तीन तत्वों के माध्यम से उसका प्रकटीकरण करते हैं। और ये प्रदर्शन कला के सभी क्षेत्रों में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से इन चारों तत्वों को स्पष्ट किया। गोपाल जी, इस संदर्भ में एक बात आपसे करना चाहेंगे और हमारे मित्र भी जानना चाहेंगे कि प्रदर्शन कला में यदि ये तत्व नहीं होते तो स्पष्ट होता कि प्रदर्शन कला नीरस होता, हमारे दर्शक उसको ठीक से नहीं समझ पाते और न उसमें मजा ले पाते। लेकिन एक सवाल यहां पर उठता है सर, कि इस प्रदर्शन कला का हम अपने विद्यालयों में उपयोग कैसे करेंगे सर? आप अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं, बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं जी, तो बच्चों के मनोभाव को हम इन्हीं तत्वों के माध्यम से जानते हैं। अच्छा। जैसे बच्चा कोई सवाल कर रहा है या अपनी व्यथा को बता रहा है या फिर अपनी जिज्ञासा को बता रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके बोलने के अंदाज, कहने के तरीके,
उसे हम ये जान जाते हैं कि यह क्या जानना चाहता है। बिल्कुल आंगिक है, ये आंगिक वाचिक है जी। उनके भाव भंगिमा, उनके मुद्रा को देख करके हम जान पाते हैं कि यह बच्चा कहीं डरा हुआ तो नहीं है, कहीं ये बच्चा किसी प्रश्न को करने से पहले घबरा तो नहीं रहा है, या उसके चेहरे को देख करके ऐसा लग जाता है कि उत्साहित है, वो जिज्ञासु है, हमारे पास प्रश्न कर रहा है। और विद्यालय की वातावरण, अब जैसे उसमें साफ सफाई जी, उसमें टीम वर्क जी, ये सारे क्लासरूम अरेंजमेंट, खासकर वर्ग व्यवस्था को भी आप इससे देख सकते हैं। जिस तरह से एक रंगकर्मी, एक नाटककार मंच को सुसज्जित करता है, उसी प्रकार से यदि वर्ग को हम सुसज्जित कर देते हैं, आनंददायी वातावरण का निर्माण कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस रूप में इन सारे तत्वों को देख सकते हैं। बच्चों के अंदर जो मनोभाव है वह इन तीन तत्वों के माध्यम से प्रकट कर सके, बिना किसी भय के माध्यम से, बिना किसी डर के माध्यम से, उस तरह के वातावरण का निर्माण, तो उसके लिए हम ये बेहद जरूरी है शिक्षक के रूप में कि बच्चों को हम उस तरह का वातावरण बनाए, उस तरह का बैकग्राउंड तैयार करें विद्यालय स्तर पर, जिससे कि यह बच्चा अपने सारे मनोभाव को आंगिक रूप में, वाचिक रूप में और आहार के रूप में वो सजावट भी करे, प्रकट कर सके। बिल्कुल सर। और वर्ग कक्ष को सजाने में, अपने पाठ्य पुस्तकों को सजाने में, अपने शिक्षण सामग्री को बनाने में, सजाने में जी, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सके, क्या इसके लिए जरूरी है। और ये सारे तत्व, और ये तत्व आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये तत्व ऐसा नहीं कि ये प्रदर्शन कला के बाद ये तत्व आए, बल्कि ये इन तत्वों को सामाहिक करके प्रदर्शन कला के अंतर्गत रखा गया। बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रदर्शन कला में ही यह समाहित है। बिल्कुल समाहित है। आप कल्पना करें, जब हमारे यहाँ कोई भाषा नहीं थी, जब कोई इस तरह का संवाद संप्रेषण का कोई माध्यम नहीं था, तो यही तत्व थे। यदि कोई आदिवासी या आदिकाल में जो मानव है, अगर वो किसी खतरनाक जानवर को देखा है, अच्छा, या फिर किसी आश्चर्यजनक चीजों को देखा है, तो किन माध्यमों से प्रकट करेगा? या तो इशारे से बताएगा, बोल के बताएगा, उसकी आवाज को, यदि कोई डरावनी चीज देखा है, शेर देखा है, भालू देखा है, तो उस आवाज को प्रकट करके आंगिक, उसके हाव हाव, वो कैसा दिखता है, अपने चेहरे की मुद्रा से, हस्त मुद्रा से, इन सारे चीजों को प्रकट करने का प्रयास करेगा यहां से, तो वहीं से ये सारे तत्व आए हैं। अब अगर इन दो माध्यमों से भी अगर कोई समझ नहीं पाता है, तो उस तरह का कोई मॉडल तैयार करके, कुछ चीजों को रख करके वो बताता है कि भाई ये इस तरह की चीज, तो ये सारे तत्व हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन का मानवीय क्रियाकलाप है, क्रियाशीलन है, वहां से जुड़ा हुआ, वहीं से उन सारे चीजों को हम लोगों ने लिया है और इसका एक स्वरूप दे दिया है प्रदर्शन कला के। बिल्कुल सर। तो हमको लगता है गोपाल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रदर्शन कला वो माध्यम है जिससे बच्चों का सीखना बहुत आसान हो जाता है, या फिर बच्चों को सीखना, मतलब बच्चों के बारे में हम समझ सके कि बच्चा क्या चाहता है, क्या बच्चों के अंदर कौन सा मनोभाव घटित हो रहा है, यानी बच्चों के मनोविज्ञान को हम इसी प्रदर्शन कला के माध्यम से जान सकते हैं। बहुत सही बात कहा सर आपने। और मुझे एक चीज और लगता है मित्रों, कि प्रदर्शन कला बच्चों के सीखने का बहुत उत्तम माध्यम तो है ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा बात क्या है इसमें कि यदि हम अन्य विषयों में इन प्रदर्शन कला को समावेशित कर दें, यदि हम नाटक के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, यदि हम नृत्य के माध्यम से अपने विषयों को जोड़ दें, तो मुझे लगता है गोपाल जी कि बच्चों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। मुझे एक बात और लगता है गोपाल जी, वो ये लगता है कि जब कहीं इस धरती पर भाषा नहीं रही होगी, तो इन्हीं प्रदर्शन कलाओं के माध्यम से हम अपनी बात अभिव्यक्त करते होंगे और रखते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल वो आदिम अभिव्यक्ति आज भी हमारे साथ जीवंत है, और यदि इन कलाओं को हम सही तरीके से, उचित तरीके से अपने विद्यालयी परिचर्चाओं में, पाठ चर्चाओं में समावेशित कर दें, तो मुझे लगता है कि सीखना बहुत आसान हो जाएगा। मित्रों, तो आप गोपाल जी से अभी सुन रहे थे उनके ये विचार कि प्रदर्शन कला के जो ये जो मुख्य तत्व हैं, चार तत्व, ये कितने महत्वपूर्ण हैं। आवश्यकता है कि इन तत्वों का सही तरीके से हम अपने विद्यालय की गतिविधियों में समावेशन कर सकें। अच्छा, एक बात और गोपाल जी ने बताया कि शिक्षण सिखाने की प्रक्रियाओं में इसका तो इस्तेमाल हम करते ही हैं,
यदि हम विशेष तौर पर कला का आयोजन कर लें। कभी कभी हमारे यहाँ जयंतियां मनाई जाती हैं, राष्ट्रीय पर्व होते हैं, तो हम प्रदर्शन कला का समारोह आयोजित कर लें और इन समारोहों को इन चारों तत्वों के एकदम सही तरीके से समावेशित करते हुए हम यदि इसका प्रदर्शन करें तो मुझे लगता है कि बच्चों में बहुत ज्यादा विकास भी हो सकेगा और समाज में उनका एक प्रतिबिंब भी बन सकेगा और मुझे लगता है कि हमारे विद्यालयों को भी एक पहचान मिल सकेगी। राजेश जी, जिस मामले में एक चीज बताएं आपको, जी सर, प्रदर्शन कला का सबसे बड़ा योगदान क्या है कि जो बच्चे बिल्कुल आइसोलेटेड है या जो बच्चे दबू है तो उन्हें यह अवसर मिलता है अपने आप को अभिव्यक्त करने का, क्या अपने पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए वो आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। हम प्रेरित भी कर सकते हैं, खास करके अगर हम लोग जहां तक जानते हैं कि बच्चे कर के सीखते हैं, तो प्रदर्शन कला के माध्यम से यदि हम किसी एकांकी को अगर उठाते हैं अपने पाठ्य पुस्तकों से और वहां उन्हें किसी पात्र की भूमिका में देते हैं तो धीरे धीरे वो बच्चा अपने आप को तैयार कर लेता है, वो बोलना जान जाता है, वह टीम के साथ समूह के साथ कार्य करना जान जाता है। जी जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस माध्यम से हम उनके अंदर जो साइकोमोटर मोटर स्किल है इसका डेवलपमेंट करते हैं। सही बात कहा सर आपने, मुझे तो लगता है कि भाषा का विकास भी इस माध्यम से बहुत आसानी से हो सकता है। तो मित्रों, अभी हम लोगों ने बड़े ही विस्तार से इन चीजों को समझा कि प्रदर्शन कला में इन तत्वों का कितना महत्व है। अब हम लोग एक एक करके प्रदर्शन कला के अलग अलग बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रदर्शन कला का पहला बिंदु जिसको हम लोग कहते हैं संगीत। मित्रों, अभी हम बात कर रहे थे प्रदर्शन कला की और प्रदर्शन कला में निहित जो चार तत्व हैं उसका हमने बड़े ही विस्तार से बातचीत किया। आपको ये पता होगा कि इन प्रदर्शन कलाओं में यदि कोई महत्वपूर्ण है तो वो संगीत। संगीत हमारे जीवन में इस कदर रचा बसा है कि हम संगीत के बिना अधूरे हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रेम रंजन सिंह जी, आप संगीत के बहुत अच्छे जानकार हैं और आप एक शिक्षक भी हैं। हम प्रेम रंजन जी से जानना चाहते हैं कि प्रेम रंजन जी, संगीत का क्या अर्थ होता है और संगीत हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है। देखिए राजेश जी, जी सबसे पहले संगीत हमारे भारतीय संस्कृति का अभिन्न है। अच्छा। हमारे जीवन के पग पग में संगीत व्याप्त है, जन्म से लेकर मृत्यु तक संगीत हमारे साथ रहता है, या यूं कहें कि गर्भधारण से लेकर संगीत हमारे साथ शुरू हो जाता है सोहर के रूप में और मृत्यु तक निर्गुण और तमाम तरह की गतिविधियों में संगीत हमारे साथ होता है। और जहां तक परिभाषा की बात है तो गायन वादन और नृत्य का सम्मिलित रूप संगीत कहलाता है। वैसे नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने भी कहा है कि गीतम वाद्यम नृत्यम च त्रयम् संगीत मुच्यते, अर्थात गायन वादन और नृत्य का सम्मिलित रूप या यूं कहें कि संगम संगीत कहलाता है। एकदम सही कहा आपने सर। मुझे भी लगता है कि संसार से यदि संगीत हटा दिया जाए तो जैसे मूक बधिर लोगों के पास कुछ ध्वनि नहीं रह पाती वैसा ही यह संसार हो जाएगा। संगीत का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे तो लगता है कि संसार के क्रिएशन के पहले संगीत का जन्म हो चुका होगा। मुझे तो ऐसा भी लगता है कभी कभी कि जब संसार में भाषा का जन्म नहीं हुआ होगा संगीत पैदा हो गई होगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब कोई चीज निर्मित होती है, निर्माण होता है, तो उसमें से ध्वनि निकलती है और यहीं से कहीं ना कहीं ध्वनियों के रथ पे चढ़ के आरूढ़ होकर ये संगीत पैदा हुआ होगा। बिल्कुल। इस क्रम में मैक्स मूलर ने भी कहा है कि संगीत का जन्म भाषा से पूर्व हुआ है। आइए इस क्रम में बात करने के लिए हम अपने साथी प्रेम रंजन सिंह जी से आग्रह करते हैं कि प्रेम जी, ये संगीत के कई प्रकार होते हैं जी, तो हमारे मित्रों को बताइए कि संगीत के कितने प्रकार होते हैं। देखिए संगीत के मुख्यतः दो प्रकार हैं। अच्छा। शास्त्रीय संगीत जी। और भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत वैसे संगीत जो शास्त्रों के द्वारा बंधे होते हैं। अच्छा। जिनकी कुछ सीमाएं होती है, जो शास्त्र सम्मत नियमों पर चलना आवश्यक होता है। मुझे लगता है कि जिसका एक व्याकरण हो
जी बिल्कुल, इसका एक व्याकरण हो और जिसकी सीमाएं हो, रागों के साथ हो, तालों के साथ हो, या उसके जो शास्त्र हैं उसको लेकर चलना होता है हमारे शास्त्रीय संगीत। और दूसरा एक पक्ष होता है भाव संगीत। भाव संगीत में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कठिन शास्त्रीयता के नियमों का पालन करें या हम कोई विशेष राग पे चले। भाव संगीत का मुख्य उद्देश्य रंजकता प्रदान करना। क्या बात है, मुझे तो लगता है सर कि इसमें कहीं भाव प्रधान तो नहीं होता होगा। बिल्कुल, भाव संगीत का अर्थ ही है भाव प्रधान। क्या बात है। और इसके अंतर्गत तीन तरह के गीत मुख्यतः होते हैं। जी जी, चित्रपट संगीत, लोक संगीत और भजन। क्या बात है सर, यानी कि चित्रपट का मतलब है फिल्मी संगीत। जी, फिल्मी संगीत। अच्छा, और लोक संगीत का मतलब है कि जो हमारे जन जीवन से जुड़ा हुआ गीत है, जो हमारे जीवन से लेकर मरण तक हम ऐसे ही गुनगुनाते रहते हैं, है ना, जिसमें भाव के गीत हो, रस के गीत हो, कर्म के गीत हो, ये तमाम गीत, मतलब लोकगीत, जो वैसे गीत, वैसे लोगों का गीत जो अपने आदिम आस्थाओं के प्रति निष्ठावान होते हैं, आदिम रीति रिवाजों के प्रति निष्ठावान होते हैं, और जो अपनी सभ्यता संस्कृति को लेकर अपने साथ चलते हैं, अपने पुरातन स्थिति में वर्तमान होते हैं, लोकगीत के अंतर्गत। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं संगीत हमारी पुरानी सभ्यताओं को एक तरह से एक पीढ़ियों से दूसरे पीढ़ियों तक संचरित करने का वाहन भी है। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी, इसमें एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे कि भजन इसी कड़ी में एक ऐसा संगीत हो सकता है जिसमें भाव के साथ साथ ईश्वर के प्रति संवेदनाओं का पूर्ण होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप संगीत से बहुत रुचि रखते हैं और संगीत अपने विद्यालयों में भी आप जोड़ते हैं, और हम तो कई दफा आपको देखा है कि चेतना सत्र में आप अपने हारमोनियम के साथ बच्चों के साथ जुड़ जाते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे दर्शकों आप कोई एक छोटा सा लोकगीत सुना दें। जी बिल्कुल राजेश जी, लोकगीतों का में तो पूरी दुनिया है, पूरी संस्कृति है, पूरी सभ्यता है, और लोकगीतों में खासकर हम विद्यालय की शिक्षा में भी देखिए, वीर कुंवर सिंह के बारे में भी पढ़ना है, और वीर कुंवर सिंह का लोकगीत कि बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर बंगला में उड़े लागे, यदि इस गीत को, या मान लीजिए कि ये होली यदि हम गाते हैं और पहले हम होली गीत अपने वर्ग कक्ष में रख देते हैं और उसके बाद हम बच्चों को वीर कुंवर सिंह के बारे में बताना शुरू करें कि वो सिपाही विद्रोह के नायक थे, वो बहुत बड़े वीर थे, तो निश्चित रूप से बच्चे उस पर ज्यादा आकर्षित होंगे और विद्यालय में हम वीर कुंवर सिंह के बारे में अच्छी तरह से अधिगम की सामग्री रख सकते। बिल्कुल। इसके अलावा हमारे विद्यालयों में बाल गीत जो हमारे पाठ्यक्रम में है, बच्चों के पाठ्यक्रम में, खासकर वर्ग एक के, वर्ग दो के पाठ्यक्रम में जो गीत हैं, उस गीतों को स्वरों के साथ यदि हम गाएं वर्ग कक्ष में तो बच्चों को बड़ा आनंद आएगा और बच्चे उसके प्रति ज्यादा जागरूक होंगे, उनको जल्दी से याद हो जाएगा। सिंपल हम देखते हैं कि ABCD बच्चों, बिल्कुल नर्सरी कक्षा की बात करें, ABCD बच्चों को हमको याद कराना है, और यदि उसको गा कर हम याद कराएं तो बड़ी आसानी से बच्चे जान जाते हैं। चाहे कोई भी कविता है, यदि उसको स्वरों के साथ समन्वय स्थापित करके हम गाएं, खासकर शिक्षक गाएं, बच्चे फिर उसको दोहराएं, तो भी बड़ा बच्चों के लिए बड़ा ये आनंददायी हो जाता है और बड़ी जल्दी से वो इसको समझते हैं। हमारे चेतना सत्र में कई अभियान गीत हैं, कई प्रार्थना है जिसका वो दैनिक जीवन में भी नैतिक मूल्यों का भी समर्थन करते हैं, और चेतना सत्र विद्यालय का दर्पण होता है। हम एक चेतना का गीत आप दोस्तों के सामने रखना चाहेंगे कि हमारे चेतना सत्र को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। एक दो पंक्तियां चेतना सत्र की। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी
विश्वास कमजोर होना। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, और आपने ये संदेश दिया कि यदि हम अपने सभी विद्यालयों के चेतना सत्र में इतने सुरीले तरीके से यदि प्रार्थना करें तो प्रार्थना का असर कई गुना बढ़ जाएगा, और बच्चों के अंदर जो संगीत की प्रस्फुटन होगी वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण होगा ही। तो मित्रों, आपने देखा कि रंजन जी ने किस प्रकार से संगीत की महत्ता अपने विद्यालयी गतिविधियों में बताई। चेतना सत्र ही नहीं, मुझे तो लगता है कि कई कक्षा कक्ष के संचालन में भी हम लोग विभिन्न गतिविधियों में यदि इन संगीत को जोड़ दें। सामान्य रूप में मुझे तो लगता है सर कि ये लोक संगीत को या भाव संगीत को हम लोग जोड़ दें, कविताओं को संगीत के रूप में प्रेषित कर दें तो बहुत प्रभावी होगा, और बच्चे उसको गुनगुनाते फिरेंगे इधर उधर जैसे वो अन्य गीतों को सुन के गुनगुनाते हैं। तो सर आपसे एक आग्रह होगा कि एक अपने विद्यालय का कोई गीत ऐसा हो जो अपने कक्षा में किसी भाषा के पुस्तक में अंकित हो, उसको यदि आप अपने विद्यालय में करते हैं सर तो यहाँ अपने मित्रों को बता दें। जी सर, हमारे प्रारंभिक कक्षाओं में जी सरसर सरसर रूढ़ी पतंग अच्छा है, या नाना नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, हम चाहेंगे कि आप उसको सुनाएं। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था कल चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचे थे कल चोर ले गए। या इसके अलावा हिंदी के पाठ्य पुस्तक में सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सर सपाटा, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सर सपाटा, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग। बिल्कुल, हम लोग को तो लगने लगा कि हम लोग पतंग के ऊपर बैठ के हवा में उड़ने लगे हैं। बिल्कुल, अरे यार हम लोगों को जब ये लगता है तो बच्चों को पता नहीं क्या एहसास होगा। मुझे लगता है कि यदि संगीत का अपने विद्यालय के पाठचर्या में समावेशित कर दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हमारे एक एक बच्चों के जबान पर विद्यालय के पाठ का एक एक कविता रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद प्रेम जी, अपने बच्चों का ये बाल गीत सुनाया। मित्रों, आपने देखा कि बच्चे जिस प्रकार से गीत में बहुत संवेदना के साथ जुड़ते हैं और अपने विषयों को भी, अपने कविताओं को भी गीत संगीत के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हम चाहे तो अपने विद्यालयों में कई प्रकार की ऐसी गतिविधियां करा सकते हैं, जैसे आसपास की बेकार पड़ी हुई चीज़ों से वो वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टेबल को वो ढोलक की तरह बजा सकते हैं, या किसी बर्तन को वो झाल और मंजीरे की तरह यूज कर सकते हैं। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ प्रेम जी कि एक सांगीतिक माहौल बन सकता है और बच्चे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में स्वयं ही जुड़ जाते हैं। तो गीत संगीत एक बहुत ही सशक्त माध्यम है जिससे कि हम बच्चों के सीखने के दर को बढ़ा सकते हैं। एक बात और है प्रेम जी, मुझे लगता है कि भाषा संप्रेषण में भी संगीत बहुत काम करता है। बिल्कुल, जैसे कि विन्यास जो है, जैसे विन्यास हैं, शब्दों के विन्यास हैं, बनावट हैं, ये सारी चीजें संगीत में दिखाई पड़ती हैं। तो प्रेम जी, हम ये चाहेंगे आपसे कि आप मुझे ये बताइए कि संगीत में सुर का क्या मतलब है, लय का क्या मतलब है, ताल का क्या मतलब जी? इससे पहले हम लोग थोड़ा ध्वनि के बारे में चलें। इस स्वर को जानने से पहले ध्वनि और नाद को समझना जरूरी है। अच्छा सर, ध्वनि जो कुछ हम सुनते हैं, हाँ, जो कुछ हमारे ज्ञान इंद्रियों विशेषकर कान को सुनाई पड़ता है ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। ईंट का टकराना, हवा का बहना, नदियों का बहना और कलरव, बच्चे को रोने की आवाज, तमाम ध्वनि है, कोयल की कूक। लेकिन इसमें कुछ ध्वनियां हमें अच्छा लगता है, कुछ ध्वनि उतना कर्णप्रिय नहीं लगता है। जैसे कोयल की कूक हमें अच्छी लगती है, कोई सुर में कोई गा रहा है वो अच्छा लगता है, और कोई कारपेंटर कील ठोक रहा है वो मुझे सबको अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं
शोर और संगीत में अंतर बताना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, शोर और संगीत और खासकर मैं नाद के बारे में आपको ले जाना चाह रहा हूँ कि वैसी ध्वनि जो कर्णप्रिय हो वो नाद कहलाती है। अच्छा, कर्णप्रिय ध्वनि नाद कहलाती है और नादों का वैसा समूह एक निश्चित क्रमबद्ध रूप से वो स्वर होते हैं। अच्छा, नादों का एक निश्चित क्रमबद्ध समूह स्वर कहलाता है। और हमारे संगीत में जैसे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर है, अंग्रेजी में वोवेल्स है, वैसे हमारे संगीत में भी स्वर है। क्या बात है? और संगीत में 7 स्वर है। मूल जो स्वरों की बात की जाए तो 7 स्वर है, षडज, ऋषभ, गंधर्व, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, जिसे हम लोग सा रे गा मा पा धा निशा कहते हैं। अब इन स्वरों में 7 स्वर तो मूल स्वर हो गए, लेकिन स्वर के प्रकार 2 होते हैं, एक शुद्ध स्वर और दूसरा विकृत स्वर। हालांकि विकृत स्वर भी 2 तरह के होते हैं। विकृत स्वर में हो जाएगा शुद्ध स्वर और कोमल स्वर और तीव्र स्वर। ठीक कहा प्रेम भाई कि संगीत में 7 स्वर होते हैं। मुझे लगता है कि इसे ही शायद सप्तक भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 7 स्वरों का समूह ही जी सप्तक कहलाता है। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि मित्रों को थोड़ा ये बता दिया जाए अपने इस वाद्य यंत्र से कि वो सप्तक बजता कैसे है। बिल्कुल, ये 7 स्वर हैं और ये शुद्ध स्वर हम लोग बजाने जा रहे हैं। अच्छा। आगे हम इसके विकृत और कोमल स्वरों के बारे में जानेंगे। क्या बात? फिलहाल शुद्ध 7 स्वरों का जो समूह है सप्तक। जब स्वरों को आगे की तरफ ले जाते हैं तो आरोह और घटते हुए क्रम में लेके आते हैं तो अवरोह कहलाता है। ये भी हमारे कला के छात्रों को जानना जरूरी है। इसमें अब स्वरों को एक निश्चित क्रमबद्ध रूप से यदि हम गाएं तो अलंकार बन जाता है। अच्छा, अलंकार इसे ही कहते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कुछ अलंकार के उदाहरण भी आप मेरे दर्शकों को दे दे तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये अलंकार कई हो सकते हैं। अलंकार चूंकि 7 स्वरों का संबंध हमें बनाना है तो मैं कुछ एक उदाहरण आपके बीच रखता हूँ। सारे गारे इसके अलावा भी कई अलंकार हो सकते हैं। शब्दों के स्वरों के एक समूह निश्चित रूप से बनाएंगे तो कई और अलंकार भी बन सकते हैं। क्या बात है। तो अभी आपने देखा कि रंजन जी ने किस तरह से सप्तक का प्रयोग कर, ध्वनियों के प्रयोग कर अलंकारों के बारे में इन्होंने बताया। मुझे लगता है कि इन अलंकारों का प्रयोग कई प्रकार के संगीत में होता है, चाहे वो लोक संगीत हो, चाहे वो चित्रपट संगीत हो, चाहे वो अन्य प्रकार के संगीत हो। हाँ रंजन जी, अपने एकदम उदाहरण के साथ ये पेश कर दिया कि अलंकार क्या होते हैं। हम ये जानना चाहेंगे अपने दर्शकों की तरफ से कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। जी, स्वर के प्रकार को राजेश जी समझने के लिए हम श्वेत पट का हमें सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा। चूंकि उसके प्रकारों का चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है और चिन्ह को समझने के लिए हमें थोड़ा श्वेत पट श्याम पट की आवश्यकता होगी। ओह, तो बिल्कुल। तो चलिए हम लोग श्वेत पट पे समझने की कोशिश करते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग स्वर, स्वर के प्रकार, सप्तक और सप्तक के प्रकार को समझने के लिए थोड़ा श्वेत पट का सहारा लेते हैं। हमने बहुत पहले चर्चा कर दिया था कि स्वर 7 होते हैं, सा रे गा मा पा धा और नी। इस तरह से कुल 7 स्वर शुद्ध स्वर होते हैं। अब स्वरों के 2 प्रकार होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर कहने का तात्पर्य है कि वैसे स्वर जो अपने स्थान पर फिक्स होते हैं शुद्ध स्वर कहलाते हैं। विकृत स्वर
वैसे स्वर जो अपने स्थान से एक स्वर आगे या एक स्वर पीछे होते हैं। विकृत स्वरों की बात की जाए तो रे, ग, म, ध और नी, ये पांच स्वर विकृत स्वर कहलाते हैं। पांच स्वर विकृत और सा और प दो स्वर शुद्ध, इस तरह से सात स्वर हो गए शुद्ध और विकृत। लेकिन विकृत स्वर में भी दो भाग हो जाते हैं, एक पहला भाग होता है कोमल और दूसरा हो जाता है तीव्र। यानी कि वैसा स्वर जो उस स्वर मूल स्वर से एक स्वर पहले होता है वो कोमल स्वर होता है, और हमें कठिनाई होती है कोमल स्वर के चिन्हों को समझने के लिए। तो शुद्ध स्वर के जस्ट पहले वाला जब स्वर लें तो उसके नीचे यदि हम ऐसा चिन्ह बना दें अर्ध वृत्ताकार या सिंपल सीधे लाइन खींच दें तो वो स्वर हो जाता है कोमल स्वर। इस तरह से कोमल स्वर रे ऐसे लिख दे तो ये हो गया कोमल ग, ध के नीचे ऐसे लाइन लगा दे तो कोमल ध, और नी के नीचे लगा दे तो ये कोमल नी। इस तरह से चार कोमल स्वर हो गए। और म का कोमल नहीं होता है, म का तीव्र होता है, और तीव्र को पहचानने का तरीका है कि ऊपर एक ऐसी लाइन खींच दें तो हो जाएगा तीव्र म। तो इस तरह से हमारे कुल स्वर हो गए सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी और शुद्ध नी। इस तरह से हमारे कुल स्वरों की संख्या 12 हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यदि हमें कुल स्वरों की संख्या बतानी हो तो कुल स्वरों की संख्या 12 होती है। अब एक बात हो, यदि सात स्वरों के समूह सप्तक कहलाते हैं, हम प्रायः गानों में चाहे वो भजन हो, गजल हो, लोकगीत हो या शास्त्रीय संगीत का कोई पद हो, हम सप्तक में भी जाते हैं और हमें कठिनाई सप्तक को समझने में भी होती है। कभी कभी किसी स्वर के ऊपर अब बिंदी लग रहा था, अभी तो हमने जाना कि रे के नीचे ऐसा लाइन बना रहेगा तो कोमल रहेगा, लेकिन कहीं कहीं हमें रे के नीचे बिंदी लगी रहती है, अब थोड़ी कठिनाई होती है कि ये क्या भाई। तो सात स्वरों के समूह तो सप्तक कहलाते हैं, और सप्तक में प्रायः जिन बीच के सातों स्वरों का उपयोग करते हैं उससे मध्य सप्तक कहते हैं। यदि इसका प्रकार करें तो सप्तक के तीन प्रकार हो जाएंगे, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। सामान्यतः मंद मतलब मध्य सप्तक के बाई ओर के स्वर, और तार सप्तक मतलब कि मध्य सप्तक के दाई ओर के स्वर। अब पहचानने का तरीका है कि यदि हम ऐसे लिखते हैं किसी स्वर के नीचे, सा के नीचे हमने ऐसा बिंदी लगा दिया, तो सा के नीचे ऐसा बिंदी लगा दिया कि मतलब कि वो कोमल माने मंद का सा है, मध्य के जस्ट पीछे वाला स्वर। रे के नीचे जब हमने बिंदी लगा दिया तो ये मंद का सप्तक का रे हो गया। यदि हम सा के ऊपर बिंदी लगा दिए, प्रायः अलंकारों में ऐसा मिलता है कि सा, रे, ग, म, प, ध, नी और उसके बाद सा भी बोलते हैं, लेकिन ये सा जब बोलेंगे तो ऊपर बिंदी जरूर लगी रहती है, ये बिंदी हमारा तार सप्तक का बिंदी हो जाता है। तो इस तरह से स्वरों के बाद हमने सप्तक को जाना कि सप्तक तीन तरह के होते हैं, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मंद सप्तक को पहचानने का तरीका है कि स्वर के नीचे बिंदी लगी रहेगी, और तार सप्तक में स्वरों के ऊपर बिंदी लगी रहेगी। इस तरह से सप्तक तीन होते हैं, स्वरों के दो भेद होते हैं शुद्ध स्वर और विकृत स्वर, विकृत स्वर के भी दो भेद हो गए कोमल स्वर और तीव्र स्वर। इस तरह से हमारे कुल स्वरों की संख्या 12 होती है, और सप्तक तीन प्रकार के होते हैं, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो अभी हम स्वर के बारे में जान रहे थे, तो मित्रों हम जानना चाहते हैं कि गीत संगीत में स्वर के अलावे और कौन कौन से मुख्य बिंदु होते हैं। तो प्रेम नंदन जी, हम जानना चाहते हैं कि लय और ताल क्या होता है। जी, संगीत में यदि स्वरों को आत्मा माना जाए तो लय और ताल उसका प्राण होता है। अच्छा, लय संगीत में संगीत की गति है, संगीत की गति लय कहलाती है। यदि संगीत की गति या लय काफी मंद गति से हो तो मंद लय का, यदि वो तेज हो तो वो द्रुत लय, और बीच बराबर में चले तो वो मध लय। इस तरह से लय तीन प्रकार के होते हैं, मंद लय जिसे विलंबित लय कहते हैं, द्रुत लय और मध्य लय।
समानता मधुलय में हम गाते हैं, शास्त्रीय संगीत में विलंबित लय का प्रयोग करते हैं, लोक संगीत और भाव संगीत में मधुलय और तीव्र लय का प्रयोग करते हैं, द्रुत लय का प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा सर, मात्राओं का समूह जो है वो ताल कहलाता है, और ताल मापने की जो इकाई होती है वो मात्रा हो गई। अच्छा, तो मात्रा के आधार पर हम ताल नापते हैं। ताल नापते हैं। अच्छा, तो हमको लगता है कि मात्राओं के आधार पर ताल कई प्रकार के होते होंगे। बिल्कुल। अब जैसे छह मात्रा है तो दादरा हो जाएगा। अच्छा। धा धी ना धा तू ना। आठ मात्रा हो जाएगा तो कहरवा हो जाएगा। दस मात्रा हो जाएगा तो छपताल हो जाएगा। सोलह मात्रा होगा तो वो तीन ताल हो जाएगा। चौदह मात्रा होगा तो वो जतसारी हो जाएगा, जत ताल हो जाएगा। सात मात्रा होगा तो रूपक हो जाएगा। इस तरह से मात्राओं का समूह ताल कहलाता है। बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है कि वास्तव में ये ध्वनियों के बार बार दोहराने का एक क्रम है जी। और इसी क्रम के आधार पर हम लय और ताल और सुर के आधार पर ध्वनियों की बात करते हैं। चलिए मित्रों, तो अभी हम लोगों ने देखा कि संगीत अपने आप में एक संपूर्ण विधा है, और इस विधा को समझने के लिए हमें इसके एक एक बिंदु को समझने की जरूरत पड़ी है। अभी अभी रंजन जी ने हम लोगों को बड़े ही विस्तार से अलंकार और ये स्वर सुर और सप्तक, सप्तक के कई प्रभाग, लय और ताल के बारे में बताया। इतना ही नहीं, इन्होंने मात्रा के आधार पर कई प्रकार के ताल बताए, और इसी से संगीत निकलता है। लेकिन अब एक सवाल उठता है मित्रों, कि क्या संगीत सिर्फ कंठ से ही निकलता है, या कोई यंत्र भी होते हैं? यदि कोई यंत्र होते हैं तो इन यंत्रों को क्या कहते हैं? तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं अपने संगीत से जानकार हमारे गोपाल फुलक जी हमारे साथ बैठे हैं। मैं पुनः इनसे आग्रह करता हूं कि सर, आप वाद्य यंत्रों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ राजेश जी, संगीत में लय ताल को गति देने के लिए या लय ताल को लाने के लिए वाद्य यंत्रों का बहुत बड़ा महत्व है। वाद्य यंत्रों के माध्यम से हम मात्रा और लय को नियंत्रित करते हैं। इसमें कई प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र जो प्रकृति से हमें मिला है। प्रकृति ने ही अलग अलग वाद्य यंत्रों की शुरुआत की है। मुझे लगता है गोपाल जी, यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, मुझे लगता है कि शायद वाद्य यंत्र को इसके आधार पर कई प्रकार में बांटा गया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा, तो मुझे लगता है कि आप इसके बारे में विस्तार से बताएं। जी, मुख्य रूप से वाद्य यंत्रों को चार प्रकारों में विभक्त किया गया है। जी। तंतुवाद। अच्छा। औनदवाद, सुशीलवाद और घनवाद। ये चार प्रकार के जो वाद्य यंत्र है, अगर आप इसे अलग अलग थोड़ा सा देखें तो तंतुवाद के अंतर्गत सितार, एक तारा, वायलिन, सारंगी आदि आते हैं। मुझे लगता है कि तंतुवाद का मतलब है कि इसमें तंतु होता होगा, तार होता जी, तार है ना, जैसे सितार में तार होता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, तार से जुड़ा हुआ है। जी। औनदवाद, जिसे चमड़े से बना हुआ या जिसे पीटा जाए से जो आवाज ध्वनियां निकलती है, जैसे ढोलक, डमरू, नगारा, डफली आदि। उसी तरह से सुशीलवाद, जैसे जिसमें फूकने से या हवा के माध्यम से जिनको बजाया जाए, शंख, बांसुरी, हारमोनियम, बीन और सहनाई। अच्छा, हारमोनियम में सुशीलवाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये हवा ही भांति से हम हवा ही डालते हैं उसके अंदर। ये सुशीलवाद के अंतर्गत आता है। और घनवाद, जो जैसे घुंघरू, घंटी, मंजीरा, खड़ताल आदि, यानी कि धातु पर पीट के आघात करके जिसको बजाया जाए। बिल्कुल सही, ये घनवाद के अंतर्गत आता है। अब इसके कुछ साधारण उदाहरण भी हमारे हमारे पास है, जैसे ताली या टेबल को बजा करके हम इस एक वाद्य यंत्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। हवा के माध्यम पेन का ढक्कन है, उसे फूंक करके सुशीलवाद का बच्चे अक्सर ना ऐसा करते दिखते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि स्कूल के विद्यालय के परिदृश्य में यदि बच्चे इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिना इन यंत्रों के छोटे छोटे चीजों से ये संगीत पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे जो मित्रों, मुझे लगता है कि ये गोपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि हम संगीत को अपने विद्यालय के परिवेश में विषयों से जोड़ सके तो हमें इन बड़े बड़े वाद्य यंत्रों की जरूरत नहीं है।
बल्कि इन छोटी छोटी चीजों को इन वाद्य यंत्रों के रूप में परिणत किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देखेंगे ग्रामीण इलाकों में बच्चे केले के पत्तों से, तार के पत्तों से इसको मोड़ करके और फूंक करके वो सिटी वगैरह बजाते हैं। ये भी एक सुशीलवाद का अच्छा उदाहरण है। गुब्बारे में सरसों का दाना वगैरह डाल करके बजाते हैं, घनवाद का उदाहरण है। तो ऐसे कई उदाहरण हमारे आस पास में है जो आसान तरीके से बच्चों को उपलब्ध है और इस वाद्यंत्रों को वो अच्छी तरह से बजा सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं। वाद्यंत्रों की महत्ता संगीत में बहुत है और इसके अलग अलग प्रकार हैं। साथ ही साथ संगीत में जो लय को साधने के लिए हमारे यहाँ दो प्रचलित, जैसे एक ताल से जुड़ा हुआ है, एक स्वर से जुड़ा हुआ है। अच्छा। जैसे तानपुरा, उस पर हम लय को साधते हैं। साथ ही साथ तबले पर ताल, जिसकी चर्चा अभी प्रेमरंजन जी ने की है, दादरा कहरवा दीपचंदी वगैरह की चर्चा की है। बिल्कुल गोपाल सर, आपने मेरी मुंह की बात कह दी। सच है मित्रों कि जिन वाद्य यंत्रों की बात मैं कर रहा हूं उन वाद्य यंत्रों में तबला और तानपुरा वास्तव में ये संगत के यंत्र होते हैं और इनके बगैर तो मैं नहीं समझता हूं कि संगीत पूर्ण होता है। तो मेरे मन की बात इन्होंने करी और मैं समझता हूं आपके मन की भी बात। तो मैं आग्रह करता हूं पुनः अपने गोपाल जी से कि आप तबले की बनावट, तबले के प्रकार के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में ये बात रख दें और तानपुरे के बारे में भी थोड़ी सी बात कर दें। जी जी, ये तबला को दो भागों में देखा जाता है, दाया और बाया के नाम से, एक तबला और एक डुगी के नाम से। दाहिने वाले को तबला बोलते हैं, बाया वाले को डुगी बोलते हैं। ये चमड़े का बना होता है और खास करके जो दाहिना वाला है वो लकड़ी का बना होता है। ये दाहिना लकड़ी का बना होता है, ऊपर में चमड़े या मिट्टी से। बाया डुगी जो होता है उसमें मिट्टी का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है, वो रहता है। उसमें अलग अलग छोटे छोटे लकड़ियों के गुटके लगे हुए होते हैं, बद्धी से उसे कसा जाता है ताकि सही स्वर निकाला जा सके, सही मात्राओं का समूह किया जाए। साथ ही साथ उनके बोलों को हारमोनियम या किसी दूसरे वाद्य यंत्रों से लहरा के साथ मात्रा को दिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो वाद्य यंत्र हैं इनके बगैर संगीत में वो पैनापन नहीं आ पाता। लेकिन इस वाद्य यंत्र के बनावट के बारे में जो आपने बताया गोपाल जी, वो बहुत बढ़िया बात बताया आपने। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि इस प्रकार के वाद्य यंत्र स्थान के आधार पर थोड़े थोड़े परिणत हो जाते हैं, कुछ कुछ बनावट में परिवर्तन हो जाते हैं। मुझे याद आ रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि तबला शायद मृदंग का सुधरा हुआ रूप है, मृदंग को शायद वो दो भागों में बांट करके तबला के रूप में। हाँ, ये तो अमीर खुसरो के काल से तबला का आविष्कार हुआ। अच्छा, अमीर खुसरो का तबला का आविष्कार बनाया। बिल्कुल। इसके पहले मृदंगम ही बजते थे हमारे पारंपरिक संगीत में। अच्छा, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से तबला के बारे में तो हम लोगों ने इतिहास से लेकर वर्तमान तक की यात्रा तय कर ली, लेकिन तानपुरा के भी कुछ अंग होते होंगे जी, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहते हैं गोपाल जी। हाँ, तानपुरा का भी उसमें चार तार लगे होते हैं और तारों के आधार पर ही स्वरों की साधना की जाती है। मतलब कि सा गा पा, हम चूंकि जो मैनुअल तानपुरा होता था, अभी तानपुरा के दो स्वर आ गए, आजकल तानपुरा इलेक्ट्रॉनिक के रूप में ज्यादा प्रचलित हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा। लेकिन जो मूल बनावट हमको स्वर जो हम साधते हैं, सा गा पा का जो कॉम्बिनेशन हमारे कानों के पास पहुंचती है, वो तानपुरा के आधार स्वर ले जाता है। यानी कि हमको स्वरों को साधने के लिए और आधार स्वर लेने के लिए तानपुरा के तारों का प्रयोग किया जाता है और उसमें घूरच इत्यादि लगा रहता है, उसमें धागा लगाते हैं, उसमें और कंपन पैदा करने के लिए, वाइब्रेशन पैदा करने के लिए। एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो जो नीचे तबली होता है, जो बड़ा सा एक नगारा जैसा दिखता है, वो कोहरे का, लोकी या कोहरे का बना होता। अच्छा। है ये लकड़ी या मिट्टी का नहीं बना होता है, बहुत ही नाजुक होता है ये। यानी पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ। बिल्कुल प्रकृति से जुड़ा हुआ। क्या बात है। तो मुझे लगता है सर, और समय समय पर इस तरह के जितने भी वाद्य यंत्र देख रहे हैं, कई प्रयोग किए गए हैं, नए नए वाद्य यंत्रों का आविष्कार भी किया गया है और समय के साथ इसमें कई परिवर्तन और कई तरह के साधक भी है। कई हमारे लोक वाद्य यंत्र है जिन्हें कई कलाकारों ने, बिस्मिल्ला खां है या ऐसे कलाकारों ने, उसे शास्त्रीय आधार पर उसका उसकी साधना की है और सारा भी है। बांसुरी सनाई का उदाहरण है,
बांसुरी को लोक साज के अंतर्गत माना जाता था, आज बांसुरी पूरे विश्व में शास्त्रीय संगीत में अपना पहचान बना चुका है। हरिप्रसाद चौरसिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये सनाई लोकवाद है और आज सनाई अंतर्राष्ट्रीय साज बन गया है, शास्त्रीय संगीत में इसका खूब प्रयोग किया जा रहा है। क्या बात है। तो मित्रों अभी इस गंभीर चर्चा में हम लोगों ने वाद्य यंत्र के बारे में बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करी है और हम लोगों ने यह भी महसूस किया होगा कि जिन यंत्रों की बात हम कर रहे हैं ये भले ही ऐतिहासिक हो, भले ही इनका महत्व संगत के लिए हो, लेकिन समय समय पर इनके स्वरूप बदलते रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि कला शिक्षा के रूप में हम लोगों को भी, एक साधारण शिक्षक को भी, इनके बनावट, इनके पहचान, इनके स्वरूप के बारे में जरूर जानना चाहिए ताकि मैं ये कह सकूं कि संगीत जो है एक प्रकार से संस्कृति का वाहक है। तो मित्रों मैं एक बात आपसे, आपके तरफ से, अपने रंजन भाई से आग्रह करना चाहूँगा कि क्यों नहीं हम लोग लोक संगीत की दुनिया में चलें और लोक संगीत से कुछ अपने ही क्षेत्र के एक छोटा सा लोक संगीत हम लोग सुनने की कोशिश करें ताकि संगीत का वो जो जादू है वो मैं महसूस कर सकूं। तो मैं पुनः आपकी तरफ से आग्रह करता हूं अपने रंजन जी से कि आप एक पारंपरिक चैती धुन में कुछ बजा के हम लोगों को। यहाँ राजेश भाई, चूंकि लोक संगीत हमारे लोक संस्कृति, लोक व्यवहार और लोक आचार, तो उसमें लोक जीवन की पूरी झलक झांकी मिलती है और ये पूरे बिहार में, पूरे देश में लोक संस्कृति प्रचलित है और लोगों से काफी जुड़ा हुआ है। मैं भी आग्रह करता हूँ रंजन भाई से कि लोक संगीत से। बिल्कुल राजेश गोपाल जी, लोकगीतों की तो बड़ी व्यापक दुनिया है और जन्म से लेकर मृत्यु तक, चाहे वो संस्कार के तरफ से हो या रसों के आधार पर वर्गीकरण करे या काम के आधार पर वर्गीकरण करे, लोकगीत काफी व्यापक है। लेकिन आपने एक चैती की फरमाइश की है और चैती मुख्यतः ऋतु गीत है। ऋतु गीत के अंतर्गत होली, चैती, कजरी, बारहमासा इत्यादि गाए जाते हैं। और आइए अपने अपने मॉड्यूल से एक गीत लेते हैं चैती का। चैत मास पियासे मिला दो रामा, चैत मास, चैत मास हरि से मिला दो रामा, चैत मास पियासे मिला दो बलम से से मिला दो बलम से मिला दो, चैत मास पिया से मिला दो रामा, चैत मास, चैत मास पिया से मिला दो रामा, चैत मास। मित्रों आप भी झूम गए होंगे, मैं तो पूरी तरह झूमने लगा। लोक गीतों में जो संप्रेषण है, जो आकर्षण है, वो स्वतः ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आपने महसूस किया होगा। मुझे नहीं लगता कि आखिर क्यों अब तक कला शिक्षा को हमारे विद्यालयों से दूर किया गया। आज के जमाने में जब कला शिक्षा पर हम पूरी तरह से जोर दे रहे हैं और समझ रहे हैं इसको, तो मुझे लगता है कि विद्यालयी शिक्षा में, यहां तक कि कक्षा कक्ष में भी, हम बच्चों के साथ यदि इन अपने परंपराओं को, पारंपरिक लोक दिनों को, पारंपरिक गीतों को जोड़ दें तो हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। तो मित्रों अभी रंजन जी ने आपको एक चैती, पारंपरिक चैती सुनाया। आपको लगा होगा कि इस लोक संगीत में कितनी ताकत है, हम सभी झूम उठे। क्यों नहीं इस प्रकार से लुप्त होते लोक संगीत को हम अपने विद्यालय के पाठचर्या में, गतिविधियों में जोड़ दें। मुझे तो लगता है कि क्यों नहीं चेतना सत्र में इन गतिविधियों को जोड़ा जाए। रोज नए नए लोकगीत जो बच्चों के ही माध्यम से, जो बच्चों के ही परिवेश से लिए जाएं, हम सभी मिलकर गाएं, लगे कि हमारी वो पुरानी संस्कृति फिर से जीवित हो चुकी है। अन्यथा डर है कहीं ना कहीं ये विलुप्त हो जाए या इनमें संक्रमण आ जाए। मुझे तो कभी कभी ये लगता है रंजन जी कि आजकल इन लोक धुनों पे आधारित कई प्रकार के अश्लील गीत इधर उधर बजाए जाते हैं शादी ब्याह के मौके में और हमारे बच्चे उसको गुनगुनाते हैं। हाँ, उसे गलत प्रभाव पड़ता है और इस तरह से हमारी पूरी संगीतिक विरासत कहीं ना कहीं प्रदूषित होती है। जी।
तो संगीत को बचाए रखने के लिए आवश्यक है कि इन लोक धुनों को ये परंपरा के संवाहक भी होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया। क्या बात है, बिल्कुल सही है। तो मुझे ये लगता है कि हमारा यह चर्चा तब ही ज्यादा कारगर होगा जब मित्रों आप सभी अपने पाठचर्याओं में अपने गुरु शिक्षकों को ये बात बताने में सफल हो सके कि लोक संगीत हमारे बच्चों तक पहुंचे और अपनी धरोहर को हम आगे की पीढ़ियों तक हस्तांतरित कर सके। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बात हम कहना चाहेंगे, जहां तक लोक संगीत की बात चली है तो इसी कड़ी में एक और बात आता है मित्रों, वो है लोक नृत्य की। कोई मौसम, कोई त्योहार, शादी ब्याह बिना नृत्य का संपन्न नहीं होता। आपके घर में यदि शादी हो, बाराती जाए, अब आप बिना नाचे रहते नहीं है। हमारे बच्चों में तो पता नहीं कौन से विशेष गुण पाए जाते हैं कि थोड़ा बहुत भी कहीं आंदोलित हो तो नाचने लगते हैं। लेकिन नृत्य की एक बहुत लंबी परंपरा रही है हमारे देश में, और मैं समझता हूं कि नृत्य को भी शास्त्रों के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है। एक है लोक नृत्य और एक है शास्त्रीय नृत्य। स्पष्ट है कि आप भी अब जान गए होंगे कि जिसमें व्याकरण है, शास्त्र है, वो शास्त्रीय नृत्य होगा, और वो स्पष्ट है कि गिनती के कुछ है। इस पर मैं विस्तार से बात करूं, इसके पहले मैं चाहता हूं कि लोक नृत्य के बारे में कुछ बात हो। ये हमारी भावनाओं को, हमारे लोक को, हमारे अंदर के उस उद्वेग को नृत्य के रूप में, थिरकम के रूप में प्रदर्शित करता है। तो इसके बारे में हम चाहते हैं और आपकी तरफ से आग्रह करते हैं अपने गोपाल जी से कि सर आप मुझे बताइए और अपने दर्शकों को बताइए कि लोक नृत्य क्या है और हमारे बिहार में कितने तरह के लोक नृत्य किए जाते हैं। राजेश जी, बिहार में लोक नृत्य की एक समृद्ध परंपरा रही है। अच्छा। चाहे वो लोक त्योहार हो, मानवीय मूल्य हो, मानवीय संबंध हो, हर अवसर पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोक नृत्य है। अलग अलग तीर्थ त्योहारों पर या घर में शादी विवाह के मौके पर हर क्षेत्र में। और आपको बताएं राजेश भाई कि बिहार के अलग अलग जैसे अंध प्रदेश है, जैसे मिथिलांचल की धरती है, जैसे मगध की धरती है, इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के नृत्यों की भी परंपरा है। अब जैसे आप मिथिलांचल में चले जाएं, वहाँ झिझिया नृत्य की काफी परंपरा है, झरनी, झिझिया और झरनी नृत्य की काफी समृद्ध परंपरा है। अच्छा, झरनी, और कहीं मैंने सुना है कोई इरनी बिरनी नाम का। हाँ, इरनी बिरनी भी है, ये पति पत्नी से संबंधित ये नृत्य है। झरनी मुख्यतः मुसलमानों द्वारा, मधुबनी के क्षेत्र के मुसलमानों द्वारा प्रस्तुत किया था। और एक रूप आपको आश्चर्य होगा कि डांडिया का जो स्वरूप आपको देखने को मिलता है वो झरनी से बहुत हद तक मिलता रहता है, और हमको लगता है कि हमारा झरनी नृत्य का ही विकसित रूप डांडिया अभी सबके सामने आता है। उसमें मुसलमान लोग लकड़ी लेकर और गोल गोल घूम के नाचते हैं, खाते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो लोक नृत्य है वो जाति धर्म से कहीं ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को बचाने में, अपनी जो विरासत है जिसमें कि गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोक नृत्य बहुत काम का चीज है। और हमारे बच्चों के साथ ये जुड़ेगा तो हमारे बच्चों में भारतीयता का भाव, अपने विरासत का भाव भरने में शायद कारगर और सफल हो सकेगा। जैसा कि राजेश भाई आपको हमने बताया कि अलग अलग तीज त्योहारों लोक संस्कृति को यह प्रतिबिंबित करता है। आप जैसे देख ले, माझी नृत्य है जो नदियों में नाविकों के द्वारा किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में जैसे अभी आप कह रहे थे अंग प्रदेश में इरनी बिरनी, ये अंग प्रदेश का ही ये है, घंटों नृत्य। खास करके ये जो हमारी वहाँ की बहनें होती है, अगर गरीब है, भाई के आ जाने पर उसे कुछ खिला नहीं पाती है तो विरह में ये इस तरह का। अच्छा, ये सारी परंपरा है। एक पहली बड़ी बात आपने कहा, भाई से जुड़ी हुई एक और नृत्य गीत है सामा चकेवा। अच्छा। ये भी हमारे ये मिथिलांचल की संस्कृति में, मिथिलांचल में है। साथ ही साथ लोक मानव क्रिया सिलन में जो लोक संस्कृति और लोक क्रिया सिलन है, जैसे धनकटनी के गीत, जाते का गीत। अच्छा, तो आप छोड़ दिए झूमर, सबसे ज्यादा झूमने के गीत। क्या बात, चाहे कोई भी त्योहार हो, कोई नृत्य समझ में नहीं है, बस झूमने लगे।
मतलब नृत्य का मतलब ही झूमर। बिल्कुल, झूमर तो पूरे बिहार का बहुत प्रसिद्ध लोक। और पहले की ये परंपरा रही है कि जब शादी विवाह के लिए जब लड़के वाले शादी के लिए जाते थे, घर में महिलाएं डोमकच नृत्य किया करते थे। बिहार की बड़ी ही समृद्ध नृत्य है, और मैं समझता हूँ कि ये परंपरा भी है। बिल्कुल, ये परंपरा भी है। जट जटिन, होरी, जोगीरा, जो होली के समय में ये गाया जाता है, पावड़िया, खास करके किसी बच्चे का जब जन्म हो तो वहाँ पावड़िया लोग आकर के नृत्य करते हैं। ये हमारे बिहार की समृद्ध परंपरा रही है। और भोजपुरी इलाके में एक लौंडा नृत्य भी है, जिसका एक समृद्ध परंपरा है। सबसे समृद्ध परंपरा अच्छा, ये नृत्य खास होता है संजय। इसमें इसमें क्या है कि पुरुष स्त्री का वेश स्वांग रचते हैं, माने नृत्य जो होते हैं उसमें नर्तक नहीं होता है, माने नृत्यांगना नहीं होकर नर्तक ही होता है। चूंकि देखिए हमारे यहाँ पुरातन स्थिति में, बहुत पहले की बात है, औरतें चूंकि संगीत में पूरी तरह से नहीं आई थी, और औरत को भी शामिल करना था, तो पुरुष ही स्त्री वेश करके या भिखारी ठाकुर की आज इतनी बात हो रही है नाटक के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में, लेकिन वो भी एक लौंडा नृत्य की परंपरा से। अच्छा। इस तरह से और भी नृत्य है, नारदी है जो कीर्तनिया शैली से लिया गया है, गंगिया नृत्य है जो पतित पावनी गंगा के तट पर स्नान के बाद जो से नृत्य की परंपरा है, देवहर है, देवहर खास करके देवी देवताओं को मनाने के लिए प्राचीन गीत और नृत्य की परंपरा है जो बिहार झारखंड के साथ ये जुड़ा हुआ है। अच्छा। बगलो नृत्य है, कजरी है, कजरी खास करके बरसात में, कजरी तो एक बात बता रहा हूँ कि ये कजरी की परंपरा तो बिहार ही नहीं बल्कि हिंदी भाषी कई क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में। और अभी दर्शकों, कजरी का नाम आते ही हमारे रंजन जी गुनगुना उठे। मैं थोड़ा सा आग्रह करता हूँ कि एक लाइन कजरी का सुना दे हमारे दर्शकों को। बरसे रे बदरवा आए मस्त सवनवाना, बरसे रे बदरवा आए मस्त सवनवाना, कि आए मस्त सवनवाना, कि आए मस्त सवनवाना, रिम झिम बरसे रे बदरवा आए मस्त सवनवाना। लीजिए, और हम लोग भीग गए। और राजेश जी, आपको ये बताएं कि झारखंड के बतने के बाद बिहार का एक जिला ऐसा है जहां अभी भी जनजाति है, थारुओं की एक बड़ी बस्ती है पश्चिम चंपारण में, जहां एक समृद्ध लोक परंपरा के अंतर्गत एक लोक नृत्य है झामटा। जी, वो बहुत ही समृद्ध परंपरा है बिहार की, और वो हमारे यहाँ की जो जनजाति है थारुओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विद्यापति के गीतों पर ये नृत्य किया जाता है, तो ये सारे लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य की और भी कई परंपरा हमारे बिहार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। जी हाँ, जरूरत है उस पर शोध करने की, उसको खोजने की। बिल्कुल, हमारे शिक्षकों से, मतलब हमारे शिक्षक चाहें तो उस तरह की समृद्ध परंपरा जो गांव और सुदूर अंचलों में बिखरा पड़ा हुआ है उसे समेट करके और इस परंपरा को बच्चों को हस्तांतरित कर इस समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसमें प्रकृति से जुड़े हुए बहुत सारी बातें हैं और सामाजिक चेतना सीखने के लिए, पर्यावरण को समझने के लिए, अपने आचार व्यवहार को समझने के लिए, संस्कृति की सुगंधी सुगंध को महसूसने के लिए शायद हमारी जो लोक नृत्य है ये सबसे समृद्ध परंपरा है, इसको बचाए रखने के। क्या बात है, बहुत बहुमूल्य विचार हमारे दोनों भाइयों का, और आपने बहुत ही अंतर मन से यानी डूब के ये सारी बात बताई है दर्शकों मित्रों कि हमारे यहाँ जो लोक परंपरा रही है, बिहार ही नहीं मैं तो पूरे भारत की बात करता हूँ, कि लोक परंपराएं वो परंपराएं हैं जो हमारे अंतर मन से निकलती हैं और संपूर्ण भारत को उसमें डुबो लेती है। हम यदि भारतीय कहीं ना कहीं से हैं तो इसलिए हैं कि हमारे अंदर वो लोक संस्कृति है। मित्रों, कला शिक्षा के माध्यम से हम इन्हीं संस्कृतियों को बचाना चाहते हैं, और ये जो तृतीय सत्र में ODL DLED के इस कार्यक्रम में इसे सम्मिलित किया गया है, तो हम लोगों का मकसद ये है कि लोक नृत्य, लोक धरोहर
आदि को हम अपने बच्चों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करें। देखो आप, राजेश जी, लोक नृत्य के अलावे हमारे उत्तर भारत में या पूरे संपूर्ण भारत में, जिसमें हमारा प्रदेश बिहार भी आता है, कई समृद्ध शास्त्रीय नृत्य भी है, इसकी भी चर्चा कर लेना यहाँ उचित होगा। खास करके हमारे यहाँ कथक की परंपरा है, कथा कहने की परंपरा, कथकली जो मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ मित्रों, कि अभी तक हम लोग लोक नृत्य की बात कर रहे थे, हमारे गोपाल जी ने एकदम याद दिलाया कि लोक नृत्य तो लोक नृत्य है ही, भावनाओं का कदर करने वाला, लेकिन एक शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गीत, शास्त्रीय नृत्य की लंबी परंपरा हमारे भारत में रही है। मैं समझता हूँ इसके बारे में गोपाल जी अभी बात करना चाह रहे हैं, तो आइए गोपाल जी से मैं सुनना चाहता हूँ कि हमारे भारत में कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं और उसमें हमारे बिहार में कौन कौन से नृत्य की अवधारणा है और उसका ज्यादा से ज्यादा यहाँ के लोग उसके बारे में समझना चाहते हैं। तो गोपाल जी आप इसके बारे में विस्तार से बताएं। पूरे भारत में कई लोग शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें कथक, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, छऊ नृत्य और सत्रीय नृत्य, ये दो ऐसा नृत्य है जो पहले लोक नृत्य की परंपरा में आते। अच्छा, अभी हाल में छऊ नृत्य और सत्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में स्वीकार किया गया। और उत्तर भारत में कथक की परंपरा है जो बिहार प्रदेश में भी समृद्ध बिहार में भी समृद्ध है। आप देखें इसमें खास करके पूरे प्रदर्शन कला में जो संगीत की बात करते हैं, इसमें घरानों की बात भी होती है, तो घराने जो है अलग अलग चीजों को संरक्षित करने और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने की करने का भी काम किया। आपने सही कहा गोपाल, इसमें एक एक मैं बताऊं, एक घराना है बनारस घराना, जिसमें संगीत का गायन गायन परंपरा की समृद्ध परंपरा है, वादन की समृद्ध परंपरा है, नृत्य की भी है। पंडित बिरजू महाराज जी कथक के प्रयास कथक के हैं, नृत्य से आते हैं, वादन में आप देख लें हरिप्रसाद चौरसिया और बिस्मिल्लाह ऐसे ऐसे कई नाम है। गायन की परंपरा में देख लें तो राजन साजन मिश्र, भीमसेन जोशी ऐसे, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में पूरे भारत में और ये जितने भी शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य है, इसकी एक समृद्ध परंपरा है। एक और चीज बताएं, शास्त्रीय गायन में जो सर्वाधिक उच्च कोटि का गायन माना जाता है ध्रुपद और धमार, पूरे भारत में ये लगभग चार घराने हैं, जिसमें तीन घराना अपने बिहार का बिहार। अच्छा, जिसमें बिहार का दरभंगा का आमता घराना, बेतिया घराना और डुमराव घराना, तो ये हमारे लिए बिहार के लिए बहुत बड़ी तो गोपाल जी आपने बहुत ही कीमती बात कही है, शायद ये लुप्त प्राय चीजों को हम नहीं जानते होंगे दर्शकों मित्रों, पता नहीं क्यों कला को हम लोगों ने हाशिए का विषय समझ रखा है, नृत्य गीत संगीत को सिर्फ आनंद की विषय वस्तु समझ रखा है, लेकिन आनंद से कहीं ऊपर ये हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। इसी क्रम में एक बात मुझे याद आता है गोपाल जी, कि एक और घराना है ठुमरी का, और ये ठुमरी का घराना गया घराने के रूप में जाना जाता है, और वहां अभी पंडित कामेश्वर पाठक जीवित हैं और वो लीजेंडरी शख्स आज भी ठुमरी को जीवित रखे हैं और गया घराने की ठुमरी पूरे विश्व में ये अपना पूरा बिहार जो है वो सांस्कृतिक रूप से काफी गौरवशाली रहा है, इसकी समृद्ध परंपरा रही है। आवश्यकता है कि हम अपने आसपास के क्षेत्रों में इस तरह की गौरवशाली परंपरा को अपने विद्यालयों तक लाए और बच्चों को इसके बारे में अवगत कराएं, साथ ही साथ हमारे शिक्षक भी इन सारी चीजों से अवगत हों। बहुत ही समृद्ध परंपरा है। नृत्य की बात कर रहे थे तो अभी इसमें आपको एक चीज बताएं, सृजनात्मक नृत्य कई ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं लोक नृत्य के आधार पर, शास्त्रीय नृत्य के आधार पर अभी कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, जो नए नए नृत्य हमारे सामने आ रहे हैं फिल्मों के माध्यम से, फ्यूजन के रूप में बैले नृत्य का भी एक फ्यूजन है, कथक का भी अलग अलग फ्यूजन है, इस तरह से कुछ प्रयोगवादी नृत्य जो है हमारे बीच है, जो सृजनात्मक नृत्य के रूप में हमारे। आपने एकदम सच कहा गोपाल जी, दरअसल संस्कृति तो बदलने का नाम है, जमाना बदलता है, चीजें बदलती हैं और हमेशा नई चीजें आती हैं। मित्रों, हम लोग हमेशा नई चीज में से अच्छी चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। सर ने जो सृजनात्मक नृत्य की बात करी है, तो आजकल जितने भी ये चित्रपट प्रचलित गाने और नृत्य
हमारे पास आते हैं, उस सब में नए नए प्रयोग धर्मी विचार आती हैं, जो अलग अलग विश्व के कोने कोने से नृत्यों के शक्ल को यहाँ फ्यूज करके फ्यूजन के रूप में। लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है कि आप देखेंगे सुदूर अंचलों में जो लोक परंपराएं विलुप्त हो रही है, तो कहीं ना कहीं से उसको एडॉप्ट करके नए रूप में पूरे विश्व के सामने ये हमारे चित्रपट संगीत के माध्यम से परोसा जा रहा है। क्या बात है, कई ऐसे गीत आप देखें दूसरे देशों में, खास के अफ्रीका के जंगलों में आदिवासियों के द्वारा जो गाया जाता था उसका एक फ्यूजन करके हमारे संगीत में रखा गया है। तो ये सृजनात्मक और प्रयोगात्मक जो नृत्य है ये कुछ हद तक हमारे लिए, हमारी उन परंपराओं के लिए भी ठीक है, और इस तरह की चीजों का भी आना जरूरी। एकदम सही बात कह रहे हैं गोपाल जी। और नृत्य की जब बात चली है और रंगमंच की बात नहीं हो तो कहीं ना कहीं बात अधूरी रह जाती है। तो मित्र दर्शकों, मैं आगे बढ़ने के पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि नृत्य की जैसे ही बात आती है मन में थिरकन होता है, आखिर नृत्य में क्या छिपा है, नृत्य के शब्द में है क्या। मैं चाहता हूं कि नृत्य के इस शब्द का थोड़ा सा विश्लेषण संक्षिप्त में यदि हमारे गोपाल जी कर लेते तो बड़ा अच्छा होता। तो गोपाल जी से आग्रह करते हैं कि नृत्य के बारे में ये थोड़ा सा विश्लेषण मुझे बताएं। जी नृत्य रस रस और भाव प्रधान। अच्छा, मुख्यतः रस और भाव प्रधान है नृत्य में। नौ रस है और खासकर श्रृंगार रस, शांत रस, इन सब रसों के नृत्य काफी प्रचलित है। हाँ, भयानक और विभत्स रस के नृत्य बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन श्रृंगार रस, वीरा रस, शांत रस, हास्य रस, इन सभी रसों के नृत्य। अच्छा, हमको लगता है कि तांडव जो है शिव का तांडव जी, वो कहीं ना कहीं भयानक रस का नृत्य तो नहीं है। एकदम सही बात कहा आपने। अच्छा, कहीं कहीं पर लोग ये भी कहते हैं कि शिव के नृत्य के साथ नृत्य जुड़ा है, और उसमें दो शब्द आता है, एक आता है तांडव और एक आता है लाश्य। लाश्य है ना सर। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इसके बारे में। लाश्य मुख्य रूप से वो सौंदर्य से जुड़ा हुआ है, पार्वती के द्वारा ये जो नृत्य जुड़ा हुआ है वो सौंदर्य से जुड़ा हुआ है। अच्छा सर, बिल्कुल। और तांडव जो है उसमें हमको लगता है बल प्रधान। तो इस प्रकार से नृत्य की बात करें मित्रों, तो नृत्य में हम अपनी पूरी संस्कृति, पूरा बल, पूरी सुंदरता, पूरी आत्मा विव्यक्ति इस शरीर के आंगिक संचालनों के द्वारा पहुंचाने में सफल होते हैं। और मैं तो एक चीज महसूस करता हूं कि हमारा बच्चा जो विद्यालय में आता है वो बिना नृत्य किए हुए ही एक बड़ा नर्तक होता है। जब वो पहुंचता है तो उसके सारे अंग फड़कते हैं, और कभी कभी तो यदि विद्यालय बढ़िया नहीं हो तो नहीं आने के लिए मचलना भी एक नृत्य का द्योतक है, और यदि विद्यालय सुसंपन्न हो जो उसको बहुत ही रुचिकर लगता हो तो आने के लिए उसका मचलना और समय से पहले उसका आ जाना कहीं ना कहीं एक विशेष नृत्य होती है जी, जी। और उस समय की जो मुद्राएं होती है वो भी एक नृत्य का रूप ले लेती है। क्या बात है। तो इस तरीके से दर्शकों, नृत्य के बारे में जो विस्तार से हमारे गोपाल भाई और हमारे रंजन जी ने जो बातें करी हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें चाहिए कि इस नृत्य का कहीं ना कहीं हम अपने विषय वस्तु में समावेश करें। इस क्रम में यदि चर्चा चली और रंगमंच की बात ना हो तो कहीं ना कहीं बात अधूरी रह जाती है। मुझे तो लगता है कि यदि संपूर्ण कलाओं की बात करें और रंगमंच की बात ना हो तो कहीं ना कहीं कला के साथ नाइंसाफी होगी। तो यहाँ पर बैठे हमारे विशेषज्ञ जो कहीं ना कहीं गीत संगीत नृत्य से जुड़े हों, तो रंगमंच से तो जुड़े होंगे ही होंगे, इसमें कहीं दूर आता है। मुझे लगता है कि रंगमंच एक ऐसी विधा है जिसमें कोई भी कला कहीं भी किसी भी स्वरूप में जुड़ जाता है। तो गोपाल जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सर थोड़ा सा रंगमंच के बारे में संक्षिप्त परिचय देते। रंगमंच के बारे में ऐसा कहा जाता है, क्योंकि आप देखिए सभी कलाओं के बारे में जहां से विस्तार से जानकारी होती है वह है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जिसे पंचम वेद के रूप में भी जाना जाता है। और मुख्य रूप से रंगमंच सभी कलाओं का समुच्चय है। इसमें संगीत भी है, इसमें नृत्य भी है, इसमें चित्र भी है, मतलब आप ये कहें कि ये सभी कलाओं का समुच्चय है। बिल्कुल।
और यहाँ अगर ये सभी कलाओं का समुच्चय है तो निश्चित तौर पे रंगमंच एक समूह में किया जाने वाला ऐसा अनुकरण है जो वास्तविक जीवन से हम अनुकरण करते हैं, चाहे वो किसी पात्र की भूमिका हो, हम उस भाव भंगिमा, उस ध्वनि, उस आवाज, उस अभिव्यक्ति के साथ हम दर्शकों के बीच में होते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि रंगमंच के माध्यम से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, क्या बात कहा है आपने, बहुत बहुत कीमती बात कही है हमारे गोपाल जी ने। और उन्होंने कहा है कि नाटक या रंगमंच ही वो विधा है जिससे हम बच्चे के अंदर उनके व्यक्तित्व की विकास करते हैं। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं भाषा, गणित और पर्यावरण का एक संपूर्ण समन्वय कुछ है तो वो रंगमंच। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे शिक्षक रंगमंच के उस परिभाषा को समझें, उस परिधि को समझें और अपने विद्यालय के अंदर विषयों के साथ रंगमंच को ऐसे समावेशित करते हैं जैसे कि हमारे जीवन के साथ सांस्कृतिक विरासत जुड़ी है। तो मित्रों, इस बारे में हम पुनः आग्रह करना चाहेंगे अपने रंजन जी से और उनसे पूछना चाहेंगे कि सर, ये रंगमंच को हम अपने विद्यालय में कैसे जोड़ें? बिल्कुल, रंगमंच हम इसके लिए हम अपने पाठ्य पुस्तक का भी सहारा ले सकते हैं जी। और एकांकी, हमारे पाठ्य पुस्तक में कई एकांकी हैं जिसका हम रूपांतरण रंगमंच के रूप में कर सकते हैं। हाँ, जहां तक रही बात ये कॉस्ट्यूम की, तो कुछ साधारण चीजों से, अखबार से, साधारण कलम से या कुछ प्रकृति के पेड़ पौधों से, फूल से उनका सजावट करके और विषय वस्तु को उसे जोड़ते हुए हम अपने विद्यालय में रंगमंच का प्रयोग कर सकते हैं। और बच्चों के साथ, हम बच्चों के यदि कमजोर से कमजोर बच्चा को यदि हम रंगमंच में कोई पात्र के रूप में लेते हैं तो इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो बच्चा इसके बाद बोलने लगता है, उसके बाद विषयगत बातें भी होती है तो बड़ा जागरूक होकर वह कक्षा में अपनी सहभागिता उपस्थित करता है। रंगमंच की एक सबसे बड़ी विशेषता है क्रमबद्धता। एक पात्र के घटित होने के बाद दूसरे पात्र की भूमिका कब होगी और एक समूह भावना का भी विकास होगा, बहुत, ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ रंगमंच के माध्यम से हम कई कौशलों का विकास बच्चों में कर सकते हैं, कल्पना करना, सहयोग की भावना, संप्रेषण कौशल, मनोरंजन, आत्मा अनुशासन, स्मरण शक्ति का विकास, सौंदर्य बोध का विकास, सामाजिक संवेदना का विकास, एकाग्रता। बच्चे एकाग्रचित होते हैं कि कब किसकी बारी आने वाली है। हाँ। साथ ही साथ अगर कोई समस्या आ जाए, यदि रिहर्सल करने के समय या कोई ऐसी समस्या हो तो उसका निराकरण वो समूह में करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। भावनात्मक विकास भी होता है, वो चीजों से जुड़ते हैं। यदि आप पर्यावरण से संबंधित किसी विषय पर एकांकी करा रहे हैं तो उनके अंदर ये संवेदनशीलता होती है कि वह प्रकृति के साथ किस तरह से व्यवहार करें, किन चीजों का सदुपयोग करें, किनको संसाधन के रूप में संरक्षित करें, किनका पोषण करें और कहां क्या नहीं करना चाहिए, ये एक भावनात्मक रूप से उनका एक जुड़ाव होता है। सामूहिक भरोसा और विश्वास भी जगता है, एक दूसरे पर विश्वास होता है कि भाई ये अपनी भूमिका अच्छे से करेगा तो हमारा नाटक अच्छा हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को समझता है, ये रंगमंच की सबसे बड़ी विशेषता है। और सामाजिक जागरूकता भी बढ़ती है, अलग अलग मुद्दे को लेकर के हम जब रंगमंच के साथ मंच पे होते हैं, हम इसमें सभी विषयों का, गणित से गणित वाले विषयों को समावेशित कर सकते हैं। भाषा का विकास तो होता ही है, चूंकि उसमें जितने भी संवाद है उनके उच्चारण, उनका संप्रेषण, किस उतार चढ़ाव, अनुतान और बलाघात, इन सारी चीजों पर बच्चों का पूरा पूरा नियंत्रण होता है। बिल्कुल गोपाल जी, और बच्चों को हम सबसे ज्यादा जरूरी, हम स्वच्छता का कोई कार्यक्रम हो उसको नाटक के द्वारा दिखाएं। हमारे यहाँ विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना चलता है, उसमें हम नाटक के द्वारा जागरूक कर सकते हैं कि कैसे बच्चा हाथ धोकर खाना खाए, कैसे हम स्वच्छ रहें, कैसे अपने आसपास को साफ रखें, कैसे अपने वर्ग कक्ष को साफ रखें, कैसे हम अपने विद्यालय को साफ रखें, इसमें भी रंगमंच बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। क्या बात, मानवीय मूल्य, प्रेम, सहिष्णुता, सद्भाव, संस्कृति, इन सारी चीजों का संरक्षण अगर हम चाहें तो रंगमंच के माध्यम से कर सकते हैं। इन सारे सद्गुणों का विकास हम रंगमंच के माध्यम से बच्चों में कर सकते हैं, ये एक सशक्त माध्यम है। बिल्कुल, इसीलिए शायद दर्शकों, अभी गोपाल सर ने जो बातें कही हैं बहुत कीमती हैं और इन्होंने अंत में ये कहा कि ये इतना सशक्त माध्यम है कि शायद इतना बड़ा माध्यम कोई नहीं हो जिससे कि हम अपनी शिक्षा के विधाओं को
या कह लीजिए अधिगमों को आसानी से सीख सकें। मुझे तो लगता है कि अकेला सिर्फ रंगमंच एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विद्यालयों में बच्चों को कई विधाओं में पारंगत कर सकते हैं, चाहे वो पर्यावरण की बात हो, चाहे वो भाषा शिक्षण की बात हो, चाहे वो नैतिक शिक्षण की बात हो, चाहे वो गणित शिक्षण की बात हो। सबसे बड़ी बात कि मैं और हम सभी मिलकर बच्चों को यदि इंसान बनाना चाहते हैं तो रंग। मित्रों, अभी हम बात कर रहे थे रंगमंच की, और आपने ये सुना कि रंगमंच हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि रंगमंच और नाटक एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बच्चों को सभी विधाओं में दक्ष कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है प्रेम जी कि हम नाटक अपने विद्यालय में बच्चों के साथ कैसे करें, ये बड़ा मामला है। अब तक तो लोगों को ये लगता है कि नाटक करने वाला नाटककार ही कर पाएगा, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि हम सभी प्रतिदिन नाटक करते हैं और सबसे बड़ा नाटककार तो हमारा बच्चा होता है। अब सवाल ये उठता है कि इन बच्चों के साथ यदि हम वर्ग कक्ष में नाटकीकरण की परंपरा शुरू कर दें, यानी विषयों को नाटक के रूप में तब्दील कर दें, तो सीखना आसान हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग गोपाल जी से सुनते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि सर हमें बताइए ये कि कक्षा में नाटक कैसे कराएं सीमित संसाधनों में। अच्छा, एक बात और दर्शकों मैं कहना चाहता हूं कि नाटक के लिए विद्यालयों में बहुत बड़ा मंच, बहुत बड़ा रूप सज्जा और ये साज सज्जा, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम गोपाल जी से समझते हैं कि अपने कक्षाओं में, अपने विद्यालयों में नाटक कैसे कराया जाए। तो गोपाल जी। जी हाँ राजेश जी, विद्यालयों में नाटक कराने के लिए हम बच्चों से जुड़े हुए उनके जो अनुभव हैं और उनका जो जीवन का अनुभव है, वैसे छोटे छोटे अनुभवों को उन्हें अभिनय के रूप में व्यक्त करने के लिए आग्रह करें। साथ ही साथ धीरे धीरे अपने पाठ्य पुस्तकों में जो एकांकी या जो नाटक दिए गए हैं उन नाटकों से बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। साथ ही साथ भाषा की कक्षाओं में विशेष करके जो कहानियां हैं, या भाषा ही क्यों, आप पर्यावरण के विषय ले लें, आप गणित के विषय ले लें, हम उसमें अंकों का खेल खेल सकते हैं। हम पर्यावरण के भिन्न भिन्न विषयों को उठा के छोटे छोटे विषय को लेकर के हम बच्चों के बीच अलग अलग पात्र की भूमिका में उन्हें प्रशिक्षित करें और उन्हें प्रेरित करें कि वह इन सारे चीजों को अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करें। विद्यालयों में नाटक को कराने के लिए सबसे पहले मानसिक रूप से बच्चों को तैयार करना होगा और उनके जो अनुभव, विषयगत अनुभव हो, व्यक्तिगत अनुभव हो या सामाजिक अनुभव हो, इन सारे अनुभवों को लेकर के आप ऐसे कह लें कि एक जो एकांकी, मतलब एकांकी आप उसको ऐसे नहीं कहें, बच्चों का इंडिविजुअल आप प्रदर्शन कराएं कि उनका अनुभव लेके कौन किस चीज में दक्ष है। कोई भाषा में दक्ष होगा, कोई किसी चीज का अनुकरण करने में दक्ष होगा, किसी की डायलॉग डिलीवरी अच्छी होगी, कोई बहुत बढ़िया कॉस्ट्यूम बना सकता है, चाहे अखबार से हो या फूलों से हो, पशु पक्षियों की आवाज का भी करा सकते हैं बच्चों से, यह भी अभिनय का साउंड मॉड्यूलेशन। बहुत बढ़िया बात कहा है आप दोनों ने। मुझे एक बात स्मृत हो रहा है दर्शकों, पिछले दिनों में एक विद्यालय में गया था, वहां पर बच्चों ने चूचू की टोपी नाम की एक छोटी सी कहानी जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है उसका नाटकीकरण कर दिया, और जब उन्होंने चार्ट पेपर से चूहे का चेहरा बना दिया और एक दर्जी बना लिया टोपी पहन के, और ये पूरा का पूरा नाटकीकरण इतना सुंदर कर लिया कि मैं तो एकदम ओतप्रोत हो गया। कहीं कोई तैयारी नहीं, कोई रिहर्सल नहीं, सिर्फ बच्चों ने एक दूसरे से संवाद बांटे और शिक्षकों ने उनको तैयार किया और बस 5 मिनट में तैयार हो गया एकांकी, और फिर बच्चों ने इतना बढ़िया संवाद संप्रेषण किया। मुझे तो लगता है कि इस तरीके से यदि बच्चे सोच के बोलते हो तो यही तो भाषा है। बिल्कुल, यही तो भाषा सीखना होता है। और सबसे बड़ी बात कि उसने ये भी सीखा कि कितनी टोपी और कितना कपड़ा दिया, कितने मीटर कपड़े लगे, अजब, और उसमें गणित भी था। मुझे तो लगता है साथियों कि यदि हम लोग प्रतिदिन ऐसे प्रयोग अपनी कक्षा कक्ष में करें, या तो वो गणित के सीखने की बात हो, पर्यावरण के सीखने की बात हो, चाहे भाषा ही क्यों ना हो, क्योंकि भाषा में तो नाटक का
प्रचुर पूरा पूरा मटेरियल, पूरा का पूरा मसाला पड़ा हुआ है। तो आइए हम लोग फिर से तैयार हो जाएं कि इन कला विधाओं का अपने अपने विद्यालयों में, अपने अपने कक्षा कक्ष में एकदम पूरी तरह से उचित तरीके से पूरी संप्रेषण के साथ, पूरी दक्षता के साथ, भले ही संसाधन कम हो, हम लोगों को करना चाहिए। क्या गोपाल सर, बात है ना? बिल्कुल। और हमारे यहाँ इतना संसाधन तो प्रत्येक विद्यालय में है, प्रकृति से ज्यादातर हमारे विद्यालय जो है ग्रामीण इलाकों में है, शहरी इलाकों में भी है, तो वहाँ इतने संसाधन तो है ही, जहाँ हम उनके व्यक्तिगत अनुभव, उनके सामाजिक अनुभव, उनके विद्यालय के अनुभव और पाठ्य पुस्तकों से भी उनका अनुभव है, उसे हम नाटक के रूप में बच्चों से करा सकते हैं। क्या बात है। तो दर्शकों, आपने देखा कि एक छोटा सा नाटक का गतिविधि बच्चों को कितने तरह के जीवन की कला सिखाती है, सहयोग करने की कला, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने की कला, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेने की कला। लेकिन इस विधा में यदि एक बात की चर्चा हम ना करें तो कहीं ना कहीं ये बात छूट जाती है, और वो है पपेट की, वो है कठपुतली की, वो है पुतली कला की। दरअसल पुतली कला भी रंगमंच की एक ही विधा है, लेकिन पुतली कला में रंगमंच के कलाकार होती हैं पुतलियां, और इन पुतलियों को बनाता कौन है? हमारा बच्चा। तो चलिए दर्शकों, हम गोपाल जी से ये सवाल पूछते हैं कि पुतली कितने प्रकार की होती है? हाँ राजेश जी, पुतलियों के कई प्रकार हैं। मुख्य रूप से छर पुतली, दस्ताना पुतली जी, छाया पुतली जी और धागा पुतली। क्या बात। छाया पुतली को तो आप देखे होंगे ग्रामीण इलाकों में बच्चे कई बार जो है चंद्रमा की रोशनी में, धूप में अपने हाथ और उंगलियों के छाया से तरह तरह के खेल करते हैं कि भाई ये दो चूहा आया खा लिया, ये सब करते हैं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, विज्ञापनों में खूब आ रहा है और विज्ञापनों में भी है। लेकिन गोपाल जी एक बात मैं बताऊं कि भारत के इतिहास को देखिएगा तो छाया पुतली भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी पुतली है, जो केरला में रावण छाया के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, वो चमड़े पर बनाई जाती है, बकरे के चमड़े पे, और कई प्रकार के उसमें चित्र बनाए जाते हैं। रात रात भर लोग बैठ के रामायण की कथा इसे सुना करते थे पुराने जमाने में। सर, इसके आगे की बात जानना चाहेंगे आप? जी हाँ, छर पुतली है तो हम किसी भी प्रकार के पपेट को बनाते हैं या फिर गुड्डे गुड़िया की आकृति का कोई चीज बनाते हैं, उसे छड़ के साथ जोड़ देते हैं। अच्छा। जिससे कि वह देखने में एक जीवंत पात्र हो जाता है हमारे लिए। अच्छा। और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ जीवित पात्र नहीं होते हैं, बल्कि जो निर्जीव पात्र हैं उन्हीं को हम जीवित करते हैं, अपने मस्तिष्क और हाथ को नियंत्रित करके हम जो कुछ कहलवाना चाहते हैं अपने पुतली के माध्यम से कहलवाते हैं। एक बात कहना चाहेंगे गोपाल जी, पिछले दिनों में हैदराबाद गया था, मुझे एक चीज पता चला कि जिनको आप निर्जीव पुतली कह रहे हैं, हमारे यहाँ की ये ऐतिहासिक पुरानी परंपरा है कि एक पूरा का पूरा परिवार जो पपेटियर कहलाता है, पुतली संचालनकर्ता कहलाता है, उसके घर का एक सदस्य होता है पुतली, और यदि कोई पुतली खराब हो जाए तो उसको सदस्य की भांति बजाबता उसको एक अर्थी में सजा के उसको बजाबता उसको दफनाया जाता है और उसके लिए दुख व्यक्त किया जाता है। तो पुतलियों को हम कहीं ना कहीं सजीव मानने की परंपरा हमारे भारत में है। तो पुतलियों में जो जीवंतता है, उस जीवंतता के माध्यम से हम अपने संस्कृति को तो वाहित करते ही हैं, बल्कि बच्चों के साथ इसको जोड़ते भी हैं। तो गोपाल जी, हम चाहेंगे कि इसके बारे में और बताएं। हमारे कलाकारों की जो संवेदना है वह इस माध्यम से झलकती है जी। इसके अलावा दस्ताना पुतली, जिसका निर्माण बहुत ही आसान है, जो हमारे शिक्षक कर सकते हैं। अच्छा। हमारे बच्चे भी कर सकते हैं, तो इस दस्ताना पुतली के माध्यम से हम बातचीत भी कर सकते हैं, और ये बड़ा ही रोचक होता है। दास्ताना पुतली के माध्यम से अपने पाठ्य पुस्तक की किसी गतिविधि को, किसी पाठ्यक्रम को संचालित करने में ये बेहद ही रोचक है, और हम आप भी इस दास्ताना पुतली के माध्यम से बातचीत करके हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, ये दास्ताना पुतली की जो चर्चा हमने की है, इसे बनाना बेहद ही सहज है। आपके सामने एक बना हुआ दास्ताना पुतली मेरे हाथ में है। आप देख सकते हैं कि यह एक ऐसे मोजे का जोड़ा है जिसका एक जोड़ा कहीं खो गया है, और इसे आपके घरों में भी जो पड़े हुए मोजे हैं इसे आप बना सकते हैं। ये सबसे उसका आगे वाला भाग है, जहां आप इसका एक छोटा सा कटिंग करके और कूट के गत्ते को लगा देंगे। आप चाहे तो चार्ट पेपर भी इसमें लगा सकते हैं, आप इसे चाहे तो रंग करके भी ये पपेट का ये मुंह बन सकता है। साथ ही साथ पपेट के लिए जो आँख है, आँख बनाना बहुत बेहद ही आसान है। आप टेनिस बॉल
या फिर इस प्रकार के किसी तरह के छोटे छोटे जो बल बल बॉल है आप यहाँ लगा सकते हैं, फेविक्विक से चिपका सकते हैं। और आप ये देखिए, ये ऊन जो हमारे घरों में कई अवसरों पर बर्बाद हो जाता है, हम इसे इसका भी सदुपयोग कर सकते हैं। आप इसके जगह कोई और भी सामग्री आप लेना चाहे, धागे धागा लेना चाहे, रंगीन धागा, तो आप इसका निर्माण कर सकते हैं। और इसको बनाने के बाद ये बहुत ही सहज होता है, इसे चलाना भी, साथ ही साथ आप इसे बहुत आसान तरीके से पहन सकते हैं। पहनने के बाद आप पर्यावरण, भाषा, गणित, जिस विषय पर भी, भिन्न भिन्न विषयों के साथ आप संवाद कर सकते हैं। और इसमें वैसे बच्चे जो अपने वर्क कक्ष में ज़्यादा नहीं बोलते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, वैसे बच्चे जो किसी बच्चों के साथ जिनका बातचीत नहीं हो पाता है, वो इस पपेट के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो राजेश जी, क्या आप इस पपेट के साथ बातचीत करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पपेट के साथ क्या, मेरे पास भी एक पपेट। जी हाँ, तो चलिए तो हम लोग इस पपेट के माध्यम से बातचीत करते हैं। और हमारे शिक्षक भी बच्चों के साथ इन पपेट का निर्माण और पपेट के माध्यम से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हेलो। हाँ हेलो। सुनो, बोलो। स्कूल क्यों नहीं गए? मेरे पिताजी आज मुझे घर पे काम के लिए रोक लिया। अरे तो बहुत गलत बात है। तो मैं क्या करूं? अरे रोज स्कूल जाना चाहिए। मुझे भी मन करता है जाने का। चलो मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। पापा मारेंगे तो? नहीं 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 मारेंगे। अरे पढ़ने के लिए कोई कहीं मारता है? लेकिन काम कौन करेगा मोनू? अरे काम आकर के हम दोनों मिलकर कर देंगे। तुम्हारे पापा से बोल देता हूँ कि उनका काम जो है वो पीछे नहीं हटेगा। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। अरे इसमें डरने की बात नहीं है, स्कूल जाना अच्छी बात है। नहीं नहीं, पापा के पास बहुत मन लगता है। अरे चलना। नहीं नहीं, चलना। नहीं नहीं, अच्छा चल। नहीं नहीं, चलो मैं तेरे पापा से बात करता हूँ। चलने यार, चलने यार, चलने यार, चलने। तो दर्शकों, आपने देखा ये छोटा सा पपेट बच्चों के अंदर की भावनाओं को कितना आसानी से आगे की ओर बढ़ाता है। मेरे हाथ में ये पपेट भले ही मेरे हाथ के साथ चलता हो, लेकिन जैसे ही मुंह खोलता है तो लगता है कि एक नया जीव आपके सामने है। और ये पूरा का पूरा माध्यम बहुत ही कम कीमत पे तैयार और बच्चों के लिए एकदम वार्तालाप के लिए तैयार। बच्चे सीखते हैं, बच्चे इससे बात करते हैं, बच्चे इससे अपनी विधाएं बांटते हैं और कई प्रकार के विषय बांट लेते हैं। मैं तो कई बार देखा हूं दर्शकों, आपने भी महसूस किया होगा कि टीवी पर भी ऐसे कई प्रकार के मपेट आते हैं और वो आपसे कई तरह की बात करते हैं। यदि ये मपेट आपके विद्यालय में आ जाए, बच्चों के हाथ में समा जाए, तो उनके दिल में समा जाना तो बहुत आसान होगा ना, है कि नहीं? हाँ हाँ। अरे जरूर जरूर, कल से मैं भी विद्यालय जाऊंगा। अरे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे यार तुम भी चलो ना। चलेंगे चलेंगे। चलो 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 चलो।